नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर स्ट्रीम में। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को हैंड कटिंग टूल में हेक्सा ब्लेड और हेक्सा फ्रेम के बारे में बताया था। आज हम उसी इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, फाइल। फाइल के हमने दो पार्ट में रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रेती के किस भाग पर हैंडल फिट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है हमारा शोल्डर, बी है टैंग, सी है एज, डी है हील। तो दोस्तों, जो हमारी टैंग होती है सबसे लास्ट में होती है, इसी में हैंडल को फिट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर फाइल किस धातु की बनाई जाती है दोस्तों? फाइल हमारी या CS की बनाई जाती है और टूल स्टील की बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, टूल स्टील। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, फाइल की लंबाई मापी जाती है दोस्तों। जो फाइल की लंबाई मापी जाती है वो शोल्डर से भी नापी जाती है और हील से टिप तक भी नापी जाती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हील है ऑप्शन में तो हम हील को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हील नहीं है तो शोल्डर से टिप तक भी माना जाएगा और निमी के अकॉर्डिंग भी हील से टिप आर या पॉइंट तक ही माना गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नाइफ एज फाइल के क्रॉस सेक्शन का एंगल कितना होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें दिया है 20, 40, 10, 30, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, फाइल के कितने मुख्य भाग होते हैं? फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है। दोस्तों, जो फाइल के मुख्य भाग होते हैं हमारे सेवन होते हैं, हैंडल और फेरल को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइल में सिंगल कट दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं? जो सिंगल कट फाइल होते हैं दोस्तों, उसमें दांते जो होते हैं 60 डिग्री, वैसे 60 से 85 होता है, लेकिन जो इसका मानक माना गया 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं होता? दोस्तों, फाइल का जो टैंग होता है इसे हार्ड नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी हैंडल सेट होती है। क्वेश्चन नंबर एट है, कौन सी फाइल का प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की मशीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जब लेथ मशीन पे हम जॉब की फिनिशिंग के लिए करते हैं, मतलब क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कौन सी फाइल का प्रयोग लेथ मशीन पर जॉब की फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जॉब की फिनिशिंग के लिए लेथ मशीन पे हम मिल फाइल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन है दोस्तों, फाइल का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों, फाइल का विभाजन हमारी पहला होता है लेंथ के अनुसार, फिर ग्रेड के अनुसार, फिर कट के अनुसार और शेप के अनुसार, तो ठीक है दोस्तों। तो इसमें सारे ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और जान लो दोस्तों, जो हमारी फाइलें होती हैं लेंथ के अनुसार आठ होती हैं, इसमें लेंथ हमारी सबसे छोटी हो जो होती है 100 mm की और सबसे बड़ी फाइल जो होती है 450 mm की, ठीक है दोस्तों। फिर ग्रेड के अनुसार जो हमारी फाइलें होती हैं 5 प्रकार की होती हैं और कट के अनुसार भी 5 प्रकार की होती हैं। और दोस्तों एक मिनट, और बाकी शेप के अनुसार, हाँ शेप नहीं बताए हम, शेप के अनुसार जो फाइलें होती हैं दोस्तों 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। कापर एल्युमिनियम और प्लास्टिक पर कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कापर एल्युमिनियम और फाइल जो होती हैं सारी नर्म धातुएं होती हैं, इसके लिए हम कर्व कट फाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर प्लास्टिक ना होती सिंगल कट भी हमारी जो फाइल होती है वो नर्म धातुओं के लिए यूज करती है, जैसे एल्युमिनियम कापर होता तो, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लास्टिक भी है तो इसके लिए हमारी कर्व कट फाइल इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड कट फाइल किस अनुसार होती है? दोस्तों, जो सेकंड कट फाइल होती है, देखो यही कन्फ्यूजन होता है, अगर ये डबल कट होता तब तो कट के अनुसार होती है, अगर ये सेकंड कट की बात करें, यहाँ सेकंड है कट है ना, तो अगर सेकंड कट है तो बाई ग्रेड होगी, ठीक है, ग्रेड के अनुसार होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, फ्लैट फाइल के दोनों एज पर होते हैं? दोस्तों, जो हमारी फ्लैट फाइल होती है इसके दोनों एज पर सिंगल कट टीथ होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारी फ्लैट फाइल है, इस साइड में जो होते हैं यहाँ पे एज होते हैं इसके, ठीक है दोस्तों, ये तो दिखेगा नहीं, ये हमारा फेस होता है, हमारी ये फ्लैट फाइल है, इस ये फेस है, ठीक है, जो एज है इस पर सिंगल कट दांते होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नई फाइल को सबसे पहले डैश डैश धात पर प्रयोग किया जाए? जो नई फाइलें होती हैं सबसे पहले दोस्तों, इस ऑप्शन देखते हैं, पहले हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड पर करेंगे नहीं, वुड सॉफ्ट होता है, लेकिन वुड के लिए हमारी नई फाइल का यूज नहीं। अगर ये धातु की बात कर रहा है पहली चीज़, तो धातु हमारी सॉफ्ट में होगी, ठीक है, ये अधातु में आती हैं, पदार्थ में आ जाएंगी,
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारी 14 है, फ्लैट फाइल के फेस पर डैश डैश कटे होते हैं। तो फ्लैट फाइल जो होते हैं दोस्तों, इस पे फैट फाइल पे होंगे डबल कट दांते कटे होते हैं। जैसे ये है, इसके फेस पे की बात कर रहा है, फेस पे डबल कट दांते कटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। एज पे सिंगल कट मैंने बताया था, इस पे डबल कट दांते होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, फाइल के लिए अलाउंस, ठीक है दोस्तों। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.025 से 1 mm, मतलब 25 माइक्रॉन से 1000 माइक्रॉन फाइल के लिए अलाउंस रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वाले दांतों की संख्या डैश डैश होती है। दोस्तों जो हमारी रफ फाइल होती है, इसमें प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जो होगी होगी 8 से 10 टीथ प्रति सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है दोस्तों, स्मूथ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या। दोस्तों अब स्मूथ की बात कर रहा है, तो स्मूथ में जो हमारे प्रति वर्ग दांतों की संख्या होती है 20 से 24, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सभी फाइल लंबाई के आधार पर कितने एमएम के अंतराल पर मिलती हैं। तो चाहे जो भी फाइलें हों दोस्तों, अगर लंबाई के आधार पे अगर देखोगे तो 50 mm के अंतराल मिलती हैं। जैसे लंबाई लेंथ के अनुसार मैंने बताया था, 8 प्रकार की फाइलें होती हैं। पहली फाइल जो होगी 100 की होगी, ठीक है दोस्तों। फिर 150 होगी, फिर 200 की होगी, फिर 250 की होगी, फिर 300 की होगी दोस्तों, 300 के बाद 350 की होगी, 350 की, फिर 400 की दोस्तों, और लास्ट में 450 की होगी, ठीक है दोस्तों। इतनी फाइलें हमारी लंबाई के अनुसार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हैंड फाइल का निम्न में से कितना टेपर अग्रभाग में होता है। अग्रभाग का कितना टेपर होता है दोस्तों, जो हमारी हैंड फाइल होती है इसके अग्रभाग का जो टेपर होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। होता है 1/3 भाग, ठीक है, 1:3 के रेशियो में जो टेपर होता है अग्रभाग का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, चमड़े के फाइलिंग के लिए प्रयुक्त होती है। दोस्तों जो चमड़े के लिए जो फाइल यूज की जाती है, वो रास्प कट फाइल यूज किया जाता है उसका, ठीक है दोस्तों। निडल फाइल डैश डैश लंबाई में मिलती है दोस्तों, जो निडल फाइल होती है हमारी, वो होती है 100 से 200 mm में, या 120 इसमें है। देखो दोस्तों, 100 के निकट 120 है और 80 200 के निकट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट है, 120 से 180 mm, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों।